अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों मैं हूं सैयद नासर अली और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल गीक। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह मोबाइल फ़ोन से किसी भी डिश को बासानी सेट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त टूल और सॉफ्टवेयर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप 2 मिनट में कोई भी मुश्किल से मुश्किल सेटेलाइट सर्च कर सकते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल की सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलते हैं और आपके साथ मोबाइल डिश सेटिंग के लिए एक ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर और टूल शेयर करते हैं। दोस्तों ये देखिए मैं आपको अभी डिश सेट करने का मुकम्मल तरीका बताता हूँ मोबाइल फ़ोन की मदद से। दोस्तों ये मेरे पास ये 2 फीट की डिश है, ये टाटा स्काई 83 डिग्री ईस्ट पर सेट थी लेकिन ये डिश अभी ख़राब हो चुकी थी, इसको मैंने अभी मोबाइल फ़ोन की मदद से सेट किया। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे सेट कर सकते हैं। देखिए मोबाइल फ़ोन पर सिग्नल भी शो हो रहे हैं, ठीक है, ये रोशनी की वजह से हो सकता है कि आपको ये क्लियर शो ना हो रहे हो। ठीक है, मैं इसको कोशिश करता हूँ ज़रा क्लियर कर दूँ आपको, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इसके सिग्नल यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। तो ये अभी कैसे शो कराएंगे आप, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये सिग्नल और यहाँ पे ये इसकी टीपी, ये देखें ये सेटेलाइट है टाटा स्काई 83 डिग्री ईस्ट के यू बैंड, टीपी है 11510 ओरिजेंटल 32720 और इसमें ये सिग्नल स्ट्रेंथ आपके सामने है। सिग्नल जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन मेरे पास आ रही है जी, मैं इसको ज़रा क्लियर करता हूँ। सिग्नल स्ट्रेंथ मेरे पास आ रही है 92% और क्वालिटी आ रही है 72%। ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। तो ये जो ऐप है फ्रेंड, ये आपको मैं बताता हूँ, ये ऐप है V8 फाइंडर ऐप। इस ऐप को चलाने के लिए आपके पास एक टूल होना चाहिए जिसे आप GT Media BT05 फाइंडर कहते हैं, बहुत ही छोटा सा फाइंडर है। मैं आपको फाइंडर भी चेक करवा देता हूँ, उसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर शेयर्ड है। तो बहुत ही काम की चीज़ है फ्रेंड्स। अभी मैंने टाटा स्काई को सेट किया है, ये देखिए ये फाइंडर लगा हुआ है हमारा, ठीक है। ये देख सकते हैं इसकी लाइटें ऑन है और ये इसकी केबल देख सकते हैं, एक तरफ से केबल जो है वो हमारी LNB के साथ टच है, दूसरी तरफ से इस फाइंडर के साथ। दोस्तों इस फाइंडर में बिल्ट इन बैटरी है और इस फाइंडर के साथ ये एप्लीकेशन वर्क करती है, बहुत ही बेहतरीन कमाल की एप्लीकेशन है। ये देख सकते हैं बहुत अच्छी एप्लीकेशन इन्होंने बनाई है, आप यहाँ चैनल ट्यून करके भी देख सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, ये फाइंडर भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए हमारा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप ये फाइंडर भी बाय कर सकते हैं। बाकी ये देखिए अब इस एप्लीकेशन का मुकम्मल यूज़ मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले इस फाइंडर को आपने ऑन करके एक तरफ से केबल आपने फाइंडर के साथ लगा देने, दूसरी तरफ से LNB के साथ जिस डिश को आपने सेट करना है। उसके बाद दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ये आपको मुकम्मल प्रोसेस बताएगी डिश सेटिंग के हवाले से। दोस्तों ये देखिए सबसे पहले इसमें मैं आपको बताते चलूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक रेड लाइन शो हो रही है। दोस्तों ये बता रही है कि आपने डिश की LNB की पोजीशन कहाँ पे रखनी है, मीन कि ये हमें एलिवेशन सॉरी अजमत एंगल बताता है। अभी मैं आपको बता भी देता हूँ, चेक भी करवा देता हूँ। देखिए हमारी अभी डिश जो है टाटा स्काई पे सेट है, तभी देखिएगा कि एरो की जो डायरेक्शन है वो ठीक है या नहीं, ठीक है। मैं भी आपको चेक करवा देता हूँ, ये देख सकते हैं दोस्तों एरो की डायरेक्शन हमारी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जहाँ पे हमारी डिश इस वक्त पड़ी हुई है यहीं पे एरो की डायरेक्शन भी है, ठीक है। ये रोशनी की वजह से दोस्तों आपको शायद क्लियर शो नहीं हो रही होगी, मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये इस तरह यहाँ पे आपको ये तमाम चीज़ें बता देता है, एलिवेशन एंगल एजमिथ और LNB स्क्यू भी आपको ये बता देता है। तो ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, इसका यूज़ भी इंतहाई इजी है। सबसे पहले आपने इस रेड एरो की मदद से डिश को सेट कर लेना है, ये देखिए रेड एरो आपको शो रहा है, आपने डिश की पोजीशन इस रेड एरो पे कर लेनी है। जिस सेटेलाइट को सेट करें अभी 83 हम सेट कर रहे हैं, तो एरो की डायरेक्शन पे आपने LNB का जो फीड है ना या 2 फीट डिश है उसकी जो LNB की पोजिशन है यहाँ आपने कर देनी। इसके बाद एलिवेशन एंगल आपने डिश को अप या डाउन कितना करना है 48.98, ठीक है, और 7 स्क्यू एंगल LNB को आपने 14 डिग्री तक घुमाना है। ये तमाम चीज़ें हैं डिश सेटिंग के वाले से, ठीक है। सबसे पहले आपने डिश को इस पोजीशन पर लाना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये नीचे सिग्नल भी शो हो रहे होंगे। जैसे ही आप इस पोजीशन पर लाएंगे, ठीक है, जैसे ही अपनी मखसूस पोजीशन पे आएगा मीन के सेटेलाइट सर्च होगी, नीचे आपको सिग्नल भी साथ ही शो हो जाएंगे, सिग्नल स्ट्रेंथ और सिग्नल क्वालिटी। और टॉप यहाँ पर आपके पास सेटेलाइट नेम, एंटीना सेटअप और TPS, ये तमाम चीज़ें आपके पास शो हो जाती हैं। जिस सेटेलाइट को सर्च करना चाहते हैं उस सेटेलाइट को आपने सेलेक्ट करना है। इसका मुकम्मल मेथड ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस वीडियो में सिर्फ ये सेटेलाइट सर्च करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, ठीक है।
तो इसको यूज़ करना भी इंतहा ईजी है। जस्ट आपके पास ये जीटी मीडिया BT05 सेटेलाइट फाइंडर टूल होना चाहिए। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आप कर सकते हैं, कोई भी सेटेलाइट आप आसानी रिसीव कर सकते हैं। रिजल्ट आपके सामने, ये प्रैक्टिकली मैंने आपको करके बता भी दिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।